जगहों की, फैजाबाद सीट की जब हम बात करते हैं तो प्रत्याशियों की जंग जो है और क्या समीकरण है दरअसल, शिवानी से समझते हैं। यूपी की फैजाबाद लोकसभा सीट पर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश की निगाहें टिकी हैं। अयोध्या में राम मंदिर और बाबरी मस्जिद विवाद के चलते ये सीट राजनीतिक तौर पर काफी अहम मानी जा रही है। आइए जानते हैं गठबंधन कांग्रेस और बीजेपी तीनों की तरफ से वो कौन से उम्मीदवार हैं जिन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया है। सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी की, तो बीजेपी की तरफ से लल्लू सिंह जो कि मौजूदा सांसद हैं, उन्हें दोबारा से चुनावी मैदान में उतारा गया है। कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस ने निर्मल खत्री को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं गठबंधन की ओर से समाजवादी पार्टी के टिकट पर आनंद सेन यादव चुनावी मैदान में है। तो यहाँ ये जो फाइट है इस सबसे हॉट सीट पर वो काफी ज्यादा दिलचस्प नजर आ रही है। बात करेंगे बीजेपी के अनुभवी चेहरे लल्लू सिंह के पॉलिटिकल करियर के बारे में, तो लल्लू सिंह वर्तमान में फैजाबाद लोकसभा सीट से सांसद है। वहीं 1991 से लेकर 2012 तक विधानसभा के सदस्य भी लल्लू सिंह रह चुके हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के सभापति भी रहे हैं, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन मंत्री भी लल्लू सिंह रह चुके हैं। चलिए बात करते हैं कांग्रेस के प्रत्याशी निर्मल खत्री के पॉलिटिकल करियर के बारे में, तो निर्मल खत्री साल 2009 में फैजाबाद लोकसभा सीट से सांसद चुने गए। वहीं 1984 में इन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा, ये चुनाव जीते भी और 1984 में पहली बार ये सांसद चुने गए। 1980 से लेकर 1985 तक यूपी विधानसभा के सदस्य भी रह चुके हैं, साथ ही साथ साल 2009 में रेलवे की स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर भी निर्मल खत्री रहे हैं। इसी दौरान स्पेक्ट्रम विवाद मामले में जेपीसी टीम के मेंबर भी निर्मल खत्री रहे हैं और इस बार कांग्रेस ने दोबारा से इन पर भरोसा कर चुनावी मैदान में उतार दिया है। चलिए बात करते हैं गठबंधन के प्रत्याशी की जो कि साइकिल पर सवार होकर चुनावी मैदान में पहुंच चुके हैं। आनंद सेन यादव दो बार विधायक रह चुके हैं, इनका परिवार भी राजनीति से काफी लंबे समय से जुड़ा हुआ है। इनके पिता मित्र सेन यादव तीन बार सांसद चुने गए हैं। वहीं 2017 में इन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा लेकिन इन्हें हार का सामना करना पड़ा। इस बार गठबंधन ने इन पर भरोसा जताया है और समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनावी मैदान में आनंद सेन यादव पहुंच चुके हैं। चलिए फैजाबाद लोकसभा सीट के राजनीतिक इतिहास की भी बात कर लेते हैं। साल 2004 में जो लोकसभा के चुनाव हुए थे, बीएसपी ने यहां से सफलता हासिल की और मित्र सेन यादव सांसद चुने गए। 2009 में कांग्रेस का हाथ सभी पर भारी रहा और निर्मल खत्री सांसद चुने गए। 2014 में मोदी वेव का फायदा इस सीट पर भी देखने को मिला और बीजेपी के लल्लू सिंह यहां से सांसद चुने गए। 2019 में फैजाबाद की जनता किस पर भरोसा जताती है और किसको अपना सांसद चुनती है, ये तो नतीजे आने के बाद ही साफ हो पाएगा। ठीक बात है, नतीजे आने के बाद